नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ फिर श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका महत्व शायद ही कोई हो जिसे ना पता हो। शिक्षक महज ज्ञान देने वाला गुरु ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता है जो देश के भविष्य यानी कि छात्रों को सही राह दिखाते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। गुरु की महिमा का बखान शब्दों में संभव नहीं है, इसीलिए आज भी शिक्षक दिवस का अपना अलग ही महत्व है। सभी लोग आज भी शिक्षक का सम्मान करने में लगे रहते हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के फैजाबाद रोड स्थित टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संस्थान के शिक्षकों का सम्मान करते हुए शिक्षक का महत्व बताते हुए कहा कि शिक्षक यानी गुरु बिना कुछ संभव हम नहीं है। गुरु का सम्मान करना हमारी सभ्यता और संस्कृति दोनों है, इसका हम सबको पालन करते रहना चाहिए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव से खास बातचीत भी की, देखिए आप उसका अंश। के मौके पर टेक्नो ग्रुप इंस्टीट्यूशन में आज शिक्षक सम्मान समारोह किया गया। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे मैनपुर दिवस पर। देखिए, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और महेंद्र अग्रवाल जी और आरके अग्रवाल जी, इन सब ने मिलकर कार्यक्रम किया और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि शिक्षकों का सम्मान करने का मौका। शिक्षक इस समाज का दर्पण है, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर करके बच्चों को दिशा देने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक अपने दायित्व निर्वहन करते हैं, देश के लिए अच्छे नागरिक बने और देश के जो बच्चे नागरिक बनाने का काम, अच्छे इंसान बनाने का काम करते हैं, वो केवल अपने लिए एक समाज के लिए भी काम करने का काम करें, ऐसा निवेदन मैंने बच्चों से किया है। समाज के राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, अच्छे नागरिक बनेंगे तो समाज के लिए काम करेंगे, अन्यथा हम समाज को दूषित करने का काम करेंगे। तो अच्छे नागरिक बनेंगे तो मैं हम सबको आज के दिन बता रहे हैं। कौशल विकास में हमेशा नया कीर्तिमान बना रहे हैं, हमारे समय में और क्या क्या मिलने का। अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी हमारे टाटा से एक कोलाबोरेशन एग्रीमेंट ITI का, जो हमारे नए एविएशन के साथ जिन सेक्टर में हमारी अभी ट्रेनिंग शुरू होगी उनका उद्घाटन करेंगे। लगातार बच्चों को हमारे प्रीमियम योजना के अंतर्गत हमने इंटरमीडिएट के बच्चों को प्रशिक्षण देने का हम काम कर रहे हैं ताकि वे पढ़ाई के साथ साथ स्किल का काम कर सके। ITI के अंदर भी हमारा लगातार काम हो रहा है, स्किल के क्षेत्र में भी डॉन है, एविएशन है, सोलर है, ई व्हीकल्स है और 3D प्रिंटिंग है, ऐसे विभिन्न सेक्टरों में बच्चों को लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं उनमें ट्रेनिंग देकर के उनको प्रशिक्षित करना, उनको रोजगार देना और रोजगार के बाद उनको इंटरप्रेन्योर बनाना। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, ITI हम पहले सुनते थे लोग ITI करते थे, पर अब हम देख रहे हैं ITI में लगातार रोजगार मेले भी हो रहा है और लगातार बच्चों को यहाँ नौकरियाँ ही मिल रही हैं। ये बदलाव बहुत बड़ा हुआ है, इस बदलाव के क्या कारण मानते हैं? ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है, हमको सेवा करने का मौका मिला है उनकी प्रेरणा से और टीम वर्क है। प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री का जैसा निर्देश होता है, हमारे अधिकारी योजना बनाते हैं, उसको धरातल उतारने का काम करते हैं और सारे कॉलेजों का, संस्थानों का भी हमको सहयोग मिलता है। जिसके मन में जैसी विधा आती है, कोई रुझाव आता है, उसको हम धरातल उतारने का। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जो यहाँ पर शिक्षक सम्मान समारोह में पुरस्कार बांटने आए थे, सम्मान करने आए थे उन लोगों का जो हमारे देश को नई दिशा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से लगातार युवाओं को नौकरी दी जा रही है, उनको मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि जब तक युवा खुद एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा, खुद मालिक नहीं बनेगा, खुद रोजगार देने योग्य नहीं बनेगा, तब तक व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं जा सकता है। आने वाले समय में भी और बहुत कुछ आयाम हमको कौशल विकास मिशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि जो रणनीति है, हमारी नीति है, लगातार लोगों को बेहतर करने की तरफ काम कर रही है। क्या पता, दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सुनील भारत, लखनऊ। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।